बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज बिहेवियर साइंस। तो आज के इस वीडियो के अंदर सेक्शन सी को जहाँ पे छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। सेक्शन सी के ऊपर आई थिंक हमने कितना कवर कर लिया था, लर्निंग कर लिया था, मेटाकॉग्निशन को पढ़ लिया था, मेमोरी को कवर कर लिया था। तो ये पार्ट फोर वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम परसेप्शन वाले टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। इस टॉपिक के अंदर जो चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है वो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन होती है। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के अंदर क्लैरवॉयंस है, टेलीपैथी है, प्रीकॉग्निशन है और टेलीकाइनेसिस है। इन चारों की डेफिनेशन को आना चाहिए और इसके अलावा एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन को भी डिफाइन करना चाहिए। जो इल्यूजन और हेलोसिनेशन होती है, वैसे ये आप फोरेंसिक साइकियाट्री के अंदर भी पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ से भी कर लो तो अच्छी बात होती है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है इस टॉपिक के अंदर। परसेप्शन को परसेप्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको पता है कि इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं, लाइक लाइट वाले स्टिमुलस हैं, ठीक है, टच वाला स्टिमुलस है या साउंड है, ओके। तो स्टिमुलस को सेंस करते हैं रिसेप्टर, फिर रिसेप्टर के साथ सेंसरी नर्व पड़ी होती है, वो सेंसरी नर्व कॉर्टेक्स को इन्फॉर्मेशन देती है और कॉर्टेक्स उसको परसीव करता है। तो परसेप्शन के अंदर हमें उस पार्टिकुलर सेंसेशन की अवेयरनेस होना, उस पार्टिकुलर स्टिमुलस की अवेयरनेस होना, आगाही होना, तो उसको बोलते हैं परसेप्शन। यानी परसेप्शन के अंदर आप स्टिमुलस को प्रॉपर सेंस कर सकोगे, परसीव कर सकोगे। दैट इज़ द एबिलिटी टू सी, हियर, देखना, सुनना या अपने इन्वायरमेंट के अंदर किसी भी स्टिमुलस की अवेयरनेस हासिल करना, तो उसको बोलते हैं परसेप्शन। या इसको सिंपल हम ये भी कह सकते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई। अब जो हमारे मोटिव्स होते हैं, मोटिव्स हमारी नीड्स, हमारे ड्राइव्स, हमारी ख्वाहिशात, ओके, वो हमारी परसेप्शन को अफेक्ट करती है। लाइक अगर कोई पेशेंट एक वार्ड के अंदर है और अपने किसी विजिटर का वेट कर रहा है इवनिंग के अंदर, तो वो किसी स्ट्रेंजर को परसीव कर सकता है, क्योंकि वो किसी वो स्ट्रेंजर को परसीव कर सकता है कि उसका कोई जानने वाला है। हालांकि वो उसका जानने वाला नहीं होता, लेकिन उसकी जो ड्राइव थी वो अपने किसी विजिटर को फाइंड करना था, उसका वेट करना था। लाइक अगर कोई बंदा सहरा के अंदर पैदल जा रहा है और उसको पानी की ज़रूरत है, तो वो रेत के ज़र्रों को देखने के बाद उनको ये समझता है कि शायद ये पानी है, हालांकि ये पानी नहीं होता। दैट मीन्स कि हमारी जो मोटिव्स होती है, नीड्स और ड्राइव्स, ये हमारी मोटिवेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। इसके अलावा एक और एग्जांपल भी दी हुई है कि एक बिजी मेडिकल ओपीडी में काम करते हुए, जहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, डॉक्टर को सराउंड किए हुए हैं, तो डॉक्टर किसी एक पार्टिकुलर पेशेंट के ऊपर फोकस करता है फॉर द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर इस एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है, जो रियलिटी होती है इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि अगर आप किसी चीज़ को एक दूसरे एंगल से देखोगे तो उसकी रियलिटी चेंज हो जाएगी। लाइक अगर आप इसको इन स्टिक्स को काउंट करना शुरू करोगे तो यहाँ पर चार है और यहाँ पर तीन है, ठीक है। तो रियलिटी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि अगर आप किसी एक एंगल से देखोगे तो सिचुएशन में भी डिफरेंट हो सकती है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं बेसिक परसेप्चुअल एबिलिटी में, ठीक है। हम इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट को परसीव करते हैं। क्यों परसीव करते हैं? क्योंकि इनके पार्टिकुलर शेप होती है, पार्टिकुलर डेप्थ होता है, इनकी मूवमेंट होती है, इनका पार्टिकुलर पैटर्न होता है। पहला है पैटर्न परसेप्शन। पैटर्न परसेप्शन के अंदर आप डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट फिगर्स को डिस्क्रिमिनेट करते हो। लाइक ये वाली जो फिगर है, ये डस्टर है और ये रेक्टेंगल है, ओके, और ये आप सिलेंड्रिकल वगैरह कह सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट फिगर को डिस्क्रिमिनेट करना, तो उसको बोलते हैं पैटर्न परसेप्शन। ये मोस्ट बेसिक परसेप्चुअल एबिलिटी होती है, ओके। हमारी डेली लाइफ के अंदर हम बहुत सारे पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं और डिस्क्रिमिनेट करते हैं। लाइक इस किताब के ऊपर अल्फाबेट्स के बहुत सारे लेटर्स हैं, या ट्रैफिक के साइंस होते हैं, या फ्रंट के फेशियल फीचर्स होते हैं, या किसी बिल्डिंग का पार्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, तो उसको पैटर्न परसेप्शन बोलते हैं। इसके बाद बारी है परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी की। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी का मतलब क्या होता है? किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जिसको हम परसीव करते हैं, तो उसकी जो टेंडेंसी है वो रिलेटिवली स्टेबल होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप रिक्टेंगल वाली शेप इस जगह पे देखोगे तो यहाँ पे भी रिक्टेंगल है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को देखोगे, या फिर ये सिलेंड्रिकल है, इसको भी देखोगे सिलेंड्रिकल है, ठीक है। तो जिस चीज़ को आप परसीव करते हो उसकी शेप या पार्टिकुलर पैटर्न वो स्टेबल रहता है। यानी अगर आप उसकी लोकेशन को चेंज कर दोगे या उसके डिस्टेंस को दूर भी कर दोगे, नज़दीक भी कर दोगे, तब उसका पैटर्न चेंज नहीं होता, तो उसको बोलते हैं परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। फिर इसके बाद है शेप कॉन्स्टेंसी, ओके। अब शेप कॉन्स्टेंसी के अंदर कहता है कि अगर आप किसी चीज को देखते हो और देखने के बाद, ओके, जैसे पैटर्न परसेप्शन के अंदर शेप और फिगर्स थी, तो इसमें आपने परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी में ये कहा कि वो स्टेबल रहता है। फिर शेप कॉन्स्टेंसी में ये कहा कि आप डिफरेंट एंगल से देख लो, उसकी शेप एक जैसी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस चीज़ को देख रहे हो, ओके, तो ये बुक है, चाहे मैं इसको आगे से देखूँ, पीछे से देखूँ, या
फ्रंट से देखो, पोस्टीरियर साइड से देखो तो ये बुक ही लगेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि अगर आप इस बुक को देखते हो बहुत सारे एंगल में तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा सिवाय एक किताब के डिफरेंट पोजीशन में, क्योंकि जो इमेज होता है रेटिना का वो तो चेंज हो सकता है, लेकिन जो आपकी परसेप्शन है, जो आपकी सेंसेशन है, जो आपकी अवेयरनेस है, जो आपका अदराक होता है रियलिटी का, वो चेंज नहीं होता। ठीक हो गया। लेकिन अगर आपने किसी भी शेप कॉन्स्टेंसी को परसीव करना है तो आपको सब्जेक्ट से फैमिलियर होना चाहिए। लाइक बंदे को पता होना चाहिए डस्टर है, ये पेन है, ये बॉल पॉइंट होती है। इसके बाद है साइज कॉन्स्टेंट। जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे करीब आ जाता है तो रेटिनल इमेज इनलार्ज होना शुरू हो जाती है, और जब कोई ऑब्जेक्ट मूव अवे करना शुरू कर देता है तो वो काफी छोटे लगना शुरू हो जाते हैं। लाइक अगर एक चीज है सेम साइज है, दो ऑब्जेक्ट हैं और हमारे दूर काफी ज्यादा दूर पड़ी हुई है तो हमें काफी छोटी लगती है। ठीक है, ओके। लेकिन हमारी परसेप्शन चेंज नहीं होती क्योंकि हम उनके असल में साइज के चेंज को परसीव नहीं कर रहे होते, बल्कि हम इनके डिस्टेंस को देख रहे होते हैं। लाइक अगर कोई चीज छोटी है और तो उसका मतलब है कि वो चीज़ हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर है, या कोई नज़दीक जो चीज़ पड़ी हुई है तो हमारी आइज़ के ऊपर रेटिनल इमेज ज़्यादा होने की वजह से बड़ी लगती है, लेकिन असल में वो डिस्टेंस होता है। ठीक हो गया। अब जो साइज़ कॉन्स्टेंसी होती है वो भी फैमिलियरिटी के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन जब हम किसी अनफैमिलियर ऑब्जेक्ट के बारे में बातें करते हैं तो हमारी जो एस्टिमेशन होती है डिस्टेंस वो काफ़ी ज़्यादा पुअर होती है। लाइक किसी बंदे को पता ही नहीं है कि एक गाड़ी कितनी बड़ी होती है या एक मोटरसाइकिल का साइज़ क्या होता है, तब उसको साइज़ का पता नहीं होगा तो फिर वो आगे उसको परसीव नहीं कर सकेगा, डिस्टेंस को पता नहीं चला सकेगा कि उसके कितना दूर है या कितना नज़दीक है। इसके बाद है ऑडिटरी कॉन्स्टेंसी। ओके, अब डिफरेंट इंडिविजुअल, डिफरेंट वॉइस, डिफरेंट टोन, लेकिन एक ही वर्ड बोला है। सपोज बिहेवियर साइंस है, अगर बिहेवियर साइंस 1000 बंदे भी बोलेंगे जिनका डिफरेंट लहजा होगा, टोन होगा, डिफरेंट वॉइस होगा, लेकिन वर्ड तो एक ही जैसा बोलेंगे ना, तो इसको बोलते हैं ऑडिटरी कॉन्स्टेंसी। ओके, इसके अलावा एक यहाँ पे एक और एग्जांपल दी हुई है कि जो मेलोडी होती है, एक स्वीट साउंड होती है, ठीक है, म्यूजिक होता है, वो हमें रिकॉग्नाइजेबल होता है चाहे जिस मर्जी इंस्ट्रूमेंट पर बजाया जाए, चाहे बांसुरी के ऊपर कोई सुर बजाया गया है या वायलिन बजाया गया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्वीट म्यूजिक प्रोड्यूस हो रहा है तो वो एक जैसे ही आपको फील होगा। इसके बाद है डेप्थ परसेप्शन होती है, जो रेटिना की सरफेस होती है टू डायमेंशन होती है, लेकिन हम थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट को देख सकते होते हैं। तो जो दो टाइप के क्यूज होते हैं या दो टाइप के सिग्नल्स या इशारे होते हैं जो हमारे डेप्थ परसेप्शन को क्रिएट करते हैं, एक है बाइनोकुलर क्यूज और एक है मोनोकुलर क्यूज। बाइनोकुलर क्यूज के अंदर आप दोनों आइज को यूज़ करते हो, मोनोकुलर क्यूज के अंदर आप सिंगल आइज को यूज़ करते हो। तो मोनोकुलर क्यूज क्या होते हैं, ऐसे क्यूज होते हैं जो एक आई प्रोसेस्ड करती है और डेप्थ को डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल करते हो। ठीक है, जैसे सिलेरी मसल लेंस की शेप को कंट्रोल करते हैं इन एकोमोडेशन। लाइक अगर कोई दूर की चीज़ नज़दीक आ रही है तब सिलेरी मसल की क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, जनुलर फाइबर रिलैक्स हो जाती है, लेंस काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है। ओके, तो जो मसल की एडजस्टमेंट होती है उसको ब्रेन सेंस कर लेता है और ब्रेन उसको यूज़ करता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस। अब जो आर्टिस्ट होते हैं या जो कैमरा मैन होते हैं जिन्होंने फोटो लेनी होती है, आपने देखा होगा कि वो एक आंख को बंद कर लेते हैं, एक ही आइस को यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। तो जो आर्टिस्ट होते हैं मोनोकुलर क्यूज का यूज़ करते हैं टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ डेप्थ। फॉर एग्जाम्पल सुपरपोजिशन है, टेक्स्चर का ग्रेडियंट क्या है, लीनियर परस्पेक्टिव क्या है, ये रिलेटिव ब्राइटनेस क्या है। इसके बाद है बाइनोकुलर क्यूज। बाइनोकुलर क्यूज के अंदर दोनों आइज को यूज़ किया जाता है। जब ऑब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा नियर होते हैं, क्लोज होते हैं, तो जो आइज होती है वो सेंटर पॉइंट की तरफ रोटेट करती है और जो मसल्स होते हैं आइज के वो टेंशन फील करते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब ये जो टेंशन होती है उसको ब्रेन सेंस करेगा और इसको यूज़ करेगा फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस। अब कहते हैं कि यहाँ पे एक अच्छी बात लिखी है कि जो स्टूडेंट होते हैं उनको बुक्स अपने नज़दीक या इतना ज़्यादा नज़दीक करके नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा नज़दीक करके पढ़ोगे तो उतना ज़्यादा सिलेरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी, टेंशन ज़्यादा बढ़ेगी और आइस के ऊपर स्ट्रेन भी काफ़ी ज़्यादा होगा और स्टूडेंट ने काफ़ी ज़्यादा पढ़ना भी है, तो उसको तकरीबन एक रीजनेबल फासले के ऊपर बुक्स को रखना चाहिए। अब है एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ परसेप्शन। एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ परसेप्शन के अंदर इल्यूजन है, हेलोसिनेशन है, फिर हमने पढ़ना है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है, फिर इसके बाद थिंकिंग वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं एबनॉर्मेलिटीज ऑफ परसेप्शन होती है। तो पहला है इल्यूजन। इल्यूजन के अंदर कोई रियल एक्सटर्नल स्टिमुलस होगा उसकी मिस परसेप्शन होती है। लाइक जो ब्रेन ब्रेन होता है वो उस स्टिमुलस को गलत परसीव करता है, गलत इंटरप्रेट करता है। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये किताब है, लेकिन जो इल्यूजन वाला पेशेंट होगा वो ये कहेगा कि ये क्या चीज़ है, वो तो कहेगा ये तो मोबाइल है या तो डस्टर है, इसको कहेगा ये मोबाइल है या फिर इसको कहेगा कि ये तो डस्टर है। ठीक है, तो ये इल्यूजन होती है, किसी रियल एक्सटर्नल स्टिमुलस को मिस परसीव कर देना, मिस परसेप्शन या मिस इंटरप्रिटेशन हो जाना। ठीक है, जैसे अगर आप इस को देखने की कोशिश करोगे तो इसको भी थोड़ा बहुत इल्यूजन आपका क्रिएट हो जाएगा। ओके, इसके बाद
कहते हैं कि जो इलूजन होती है इंटेंसिव केयर यूनिट वाले पेशेंट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है, लाइक टॉक्सिक कन्फ्यूजनल स्टेट के अंदर, डिलीरियम के अंदर, या ऐसे लोग जिन्होंने अल्कोहल ज़्यादा यूज़ कर लिया है, या लाइसर्जिक एसिड डायथालामाइड, इसका यूज़ करने की वजह से भी इलूजन काफ़ी ज़्यादा हो जाता होता है। इसके बाद है हेलोसिनेशन। हेलोसिनेशन के अंदर स्टिमुलस होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी परसेप्शन होती है। अब किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन जो ऑडिटरी और विजुअल हेलोसिनेशन काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। शिज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है। ऐसे पेशेंट्स ये किसी वॉइस को हेयर करते हैं, यानी ऑडिटरी हेलोसिनेशन होना देखने को मिलता होता है। और विजुअल हेलोसिनेशन की मोस्ट कॉमन कॉज होती है डिलीरियम ट्रीमन की, और जो ऑडिटरी हेलोसिनेशन की सबसे बड़ी वजह होती है शिज़ोफ्रेनिया। और अगर टेस्ट वाली हेलोसिनेशन भी आ रही है तो वो COVID-19 के सिम्टम को शो करती है। इसके बाद है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के अंदर ऐसे एक्सपीरियंस को या ऐसे एक्सपीरियंस को परसीव करना जो किसी एडिक्वेट स्टिमुलस के बगैर ही हुए हैं। ओके, ऐसे जो अकरेंस होती है किसी एक्सपीरियंस की या बिहेवियर की, वो पैरानॉर्मल भी हो सकती है, सुपर नेचुरल भी हो सकती है, या सेंसरी एबिलिटी के बियॉन्ड भी हो सकती है। इनको पैरासाइकोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है। इसके अंदर क्लैरवोएंस या टेलीपैथी या प्रीकॉग्निशन और टेलीकाइनेसिस है। क्लैरवोएंस के अंदर ऐसे इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर लेना, परसीव कर लेना, जो हमारे काफ़ी ज़्यादा दूर जगह पर हो रहा है बगैर किसी डिवाइस के। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ, मुल्तान में बैठा हुआ, लेकिन उसको पता है कि लाहौर के इस जगह के ऊपर फलाना तकरीब हो रही है, फलाना आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद है टेलीपैथी। टेलीपैथी के अंदर किसी दूसरे बंदे की थॉट्स को या माइंड को रीड कर लेना टेलीपैथी बोलती है। प्रीकॉग्निशन के अंदर पहले से फ्यूचर के इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर लेना, लाइक 2022 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जीतेगा तो पहले से प्रिडिक्ट कर लेना, तो ये प्रीकॉग्निशन होती है। इसके बाद टेलीकाइनेसिस। टेलीकाइनेसिस में जो पैरासाइकोलॉजिस्ट होते हैं वो करते क्या है, वो इन एनिमेट ऑब्जेक्ट को, यानी जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको अपनी मेंटल पावर से मूव कराने की कोशिश करते हैं। सिंपली इसको माइंड ओवर मैटर बोलते हैं। तो ये तो हो गया परसेप्शन वाला टॉपिक। अब थिंकिंग वाला टॉपिक रह गया है। बाकी टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ हम अपलोड कर चुके हैं। आई थिंक आई शुड अपलोड समथिंग ऑन द थिंकिंग। चलो थिंकिंग के ऊपर कुछ पढ़ ही लेते हैं। थिंकिंग होती क्या, सोच विचार। थिंकिंग के अंदर आप इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करते हो या अपने सिर्फ माइंड को यूज़ करते हो ताकि आप सोच को, आइडियाज़ को, ओपिनियंस को, डिसीजंस को क्रिएट कर सको। तो सोच और विचार के प्रोसेस को थिंकिंग बोलते हैं। हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, ओके, और कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाता है या इम्पॉसिबल नॉट टू थिंक के मैं नहीं सोचूंगा, या इस टाइप की इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो यहाँ पे पहली चीज़ है, व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट है किसी भी चीज़ के बारे में आइडिया या अंडरस्टैंडिंग होना, तो उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कॉन्सेप्ट्स हमारी मेमोरी के अंदर लोड को बढ़ा देते हैं और हमारी कम्युनिकेशन करने वाली एबिलिटी को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा हम कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं अबाउट एनी प्रिडिक्शन, लाइक हम किसी की चीज़ का या किसी टीम का वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड उठा के हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे जीतेगी या नहीं जीतेगी। तो ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स होते हैं। हमारी डेली लाइफ के अंदर हम बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करते हैं, ठीक हो गया, ओके। जब भी हम किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो हम उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सोल्यूशन को ढूंढने के लिए दो स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती है, पहला एल्गोरिथम और दूसरा ह्यूरिस्टिक। एल्गोरिथम के अंदर किसी भी सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए, सॉरी सोल्यूशन को सॉल्व नहीं, किसी भी क्यूरी को या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कोई ना कोई फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर हम फार्मूला या प्रोसीजर यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो वो एल्गोरिथम होती है। लेकिन ह्यूरिस्टिक के अंदर आप फार्मूला यूज़ नहीं करते। जैसे एक फिजिक्स का एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, और एक स्टूडेंट को पूरा आता है फार्मूला और एक स्टूडेंट को फार्मूला नहीं आता, लेकिन जो दूसरा स्टूडेंट है जिसको फार्मूला नहीं आता तो वो तुक्का मारेगा, जिसको बोलते हैं एजुकेटेड गैस होते हैं। जो फार्मूले से सॉल्व करेगा उसका आंसर करेक्ट निकलेगा, लेकिन जो एजुकेटेड गैस मारेगा, यानी करीब तरीन गैस मारने की कोशिश करेगा, तो उसका आंसर आ तो जाएगा लेकिन उसमें मिस्टेक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, यानी आपको 100% सेटिस्फैक्शन वाला आंसर नहीं मिलेगा। एल्गोरिथम क्या होता है, एक प्रोसीजर या फार्मूला होता है जिससे किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है और हमेशा ये अच्छा या करेक्ट सोल्यूशन देता है। लाइक अगर आपने रेक्टेंगल के एरिया मालूम करना है तो उसका फार्मूला आना चाहिए लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ, ठीक हो गया। कहते हैं एल्गोरिथम आंसर नहीं देते जब प्रॉब्लम क्लियरली स्पेसिफाई नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो चेस का प्लेयर है वो एल्गोरिथम के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता, ओके, तो एल्गोरिथम के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले इंडिविजुअल को उस प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। लाइक जब उसको पता नहीं चलेगा कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है तो फिर वो किस तरह से सॉल्व कर पाएगा, या कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिनके अंदर फार्मूला अप्लाई नहीं होता, चेस का प्लेयर कैसे फार्मूला अप्लाई करेगा। इसके बाद ह्यूरिस्टिक एजुकेटेड गैसेज होते हैं, ऐसे मैथड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम क्विकली एंड एफिशिएंटली। जो ह्यूरिस्टिक होते हैं ये टाइम को एफिशिएंट तो बना देते हैं, लाइक जो बंदे एजुकेटेड गैस मारते हैं जिसको एजुकेटेड तुक्का बोलते हैं, लेकिन इससे सोल्यूशन मिलता नहीं।
नहीं है, बल पता टाइम वगैरह बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे लोग जैसे कम टाइम में ज़्यादा एजुकेटेड गैस मार के ज़्यादा नंबर ले सकते हैं एमसीक्यूज के अंदर। लाइक अगर जो डॉक्टर होता है, यहाँ पर मेडिकल लाइफ में बताया हुआ है कि डॉक्टर है वो इन्फॉर्म कंसेंट ऑब्टेन करना चाहता है सर्जिकल इंटरवेंशन से, ठीक है। तो वो सिर्फ 5 एरियाज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, लाइक डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है, कॉन्सिक्वेंसेज है, अल्टरनेटिव और प्रोग्नोसिस होता है, ओके। अब इसके बाद चलते हैं ऑब्स्टेकल्स एंड एड्स टू पेशेंट प्रॉब्लम, सॉरी पेशेंट नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो जो रिसर्चर्स होते हैं उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को कंपेयर किया बिटवीन द एक्सपर्ट्स एंड द बिगिनर्स। तो इन्होंने ये देखा गया रिसर्चर्स ने कि कंपेयर करने के बाद पता चला कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं इनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है जिसको वो यूज़ करते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एक्सपर्ट्स को पता होता है कि इन्होंने इन्फॉर्मेशन को कहाँ से कलेक्ट करना है, किस तरह से कलेक्ट करना है, किस तरह से ऑर्गेनाइज कराना है। इस तरह से जो हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं वो ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं जो उनको चैलेंज करती है और उनके लिमिट्स को अनकवर कर देती है, ठीक हो गया। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ऑब्स्टेकल्स हो सकती हैं इन द प्रॉब्लम सोल्यूशन, लाइक फंक्शनल फिटनेस है, मेंटल सेट है, एजम्पशंस है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है और ट्रांसफ़र होता है, ओके। और मेंटल सेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, डेली लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसीजर्स होते हैं वो हमारे प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होते हैं जिसको बोलते हैं मेंटल सेट। लाइक अगर किसी बंदे ने कोई काम किया था उसमें उसको कामयाबी नहीं मिली थी लेकिन उसको सबक आ गया था या उसको पता चल गया था कि मैं इस जगह पर या इस तरीके से काम नहीं कर पा रहा था या ये मेरी मिस्टेक थी, तो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को यूज़ कर सकता है फॉर द प्रॉब्लम सोल्यूशन। तो जो मेंटल सेट होता है ये प्रॉब्लम सोल्यूशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, लेकिन ये प्रॉब्लम भी बन सकता है जब आप एक पार्टिकुलर स्ट्रेटजी को बार बार यूज़ करते रहो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहां तक कि वो वर्क ही नहीं करती और आप ये ना सोचो कि दूसरे मेथड किसी काम के नहीं है, सिर्फ मेरा वाला मेथड ठीक है, ओके। इसके बाद है फंक्शनल फिटनेस और रिजिडिटी, ठीक है। फंक्शनल फिटनेस क्या होती है, पार्टिकुलर काइंड ऑफ मेंटल सेट होती है। इसका मतलब क्या होता है, वो टेंडेंसी जो जिसके जरिए आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं पार्टिकुलर वे के अंदर। लाइक जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे, यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि हम ये रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि जो एक ऑब्जेक्ट है एक काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्या दूसरे काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, ठीक हो गया। तो इस टाइप के बारे में ये यूज़ हो सकता है। लाइक जो हैंगर होता है, हैंगर नॉर्मली कपड़ों को हैंग करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि आपकी कार लॉक हो जाए उसके अंदर कीज़ पड़ी हो तो फिर आप हैंगर को यूज़ कर सकते हो टू अनलॉक अ कार डोर। इसके बाद है मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम के अंदर बहुत सारा डाटा अवेलेबल होता है जो इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, यानी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है तो रियल सोल्यूशन की तरफ पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी आ सकती है। लाइक यहाँ पर लिखा है कि आप एक पेशेंट है, आपके पास एक पेशेंट आया जिसको पायरेक्सी ऑफ अननोन ओरिजन है, ओके। इसको हर टेस्ट वगैरह परफॉर्म कराया गया लेकिन हर टेस्ट के अंदर पॉजिटिव फाइंडिंग आई है लेकिन किसी ने भी उसके कॉज ऑफ इन्फेक्शन को पता नहीं चलाया, तो इस केस में ठीक है, ओके। तो इस केस में क्या होता है, आपने कुछ ज़्यादा डाटा अप्लाई कर दिया और आप उस डायग्नोसिस की तरफ नहीं पहुंच पा रहे तो उसको बोलते हैं मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। इसके बाद है एजम्पशंस होती है, बाज़ों का हम खुद ही अपने माइंड के अंदर चीज़ें बना लेते हैं कि जो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये मुश्किल आ जाएगी तो हम क्यों करें, हालांकि ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बाद है ट्रांसफ़र, और जो ट्रांसफ़र होती है वो भी पहले वाली से रिजेंबल करती है। लाइक जो नेगेटिव ट्रांसफ़र लिखा हुआ है, जब आप किसी सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर दोगे बाय द सॉल्यूशन विद द फर्स्ट प्रॉब्लम, लाइक पहली प्रॉब्लम थी उसको आपने सॉल्व कर लिया लेकिन आप उसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सेकंड प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो ऐसा नहीं होता, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र, यानी आपने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया सॉल्यूशंस को, ओके। इसके बाद है डिसीजन मेकिंग को पढ़ लेते हैं, और डिसीजन मेकिंग है, हर दिन हम तकरीबन हंड्रेड्स ऑफ डिसीजन करते हैं, लाइक क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है, क्या करना है, ठीक है। कुछ डिसीजन काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं, कुछ डिसीजन काफ़ी मुश्किल होते हैं। ह्यूमन का जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है तो वो प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन को क्विकली और एक्यूरेटली, और जो ह्यूरिस्टिक्स मेथड होता है या जो एजुकेटेड गेस मेथड होता है वो हम यूज़ करते हैं। डिसीजन मेकिंग के अंदर 7 स्टेप्स आते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, फिर इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, अल्टरनेटिव एक्शन करना, वेइंग करना, फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, चॉइस करना, एक्शन करना और अपने एक्शन का या डिसीजन का रिव्यू करना। तो ये डिसीजन मेकिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं, ओके। फिर इसके बाद टॉपिक है क्रिएटिव थिंकिंग है, जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये पार्ट 4 वीडियो है जिसके अंदर हमने तकरीबन थिंकिंग और परसेप्शन को कवर कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।